नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक लंग ट्रांसप्लांट और थोरैसिक सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से। आज एक सवाल का मैं जवाब दूंगा जो बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है कि पेशेंट जब आपके पास रेफर होता है तो आप पेशेंट के साथ क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, सर्जरी का क्या बात की जाती है, कैसे किया जाता है ये सब कुछ। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास रेफर होता है, हम क्योंकि टेरिटरी केयर सेंटर हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम है हम चेस्ट सर्जरी की, कई केसेस में वो पूरा का पूरा टेस्ट वगैरह होके डायग्नोसिस बना के हमारे पास आता है सर्जरी के लिए, और कुछ केसेस में ये डायग्नोसिस नहीं बना होता है। जब पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है तो सबसे पहले मैं उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, उसके कुछ बेसलाइन टेस्ट कराता हूँ। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीटी कराना। सीटी करा के देखा जाता है बीमारी कहाँ है। अगर हमें कैंसर का शक होता है तो उन केसेस में पेट स्कैन भी कराया जाता है। अगर पेशेंट बिनाइन डिजीज का है तो हमारा काम सीटी से ही चल जाता है। हम देखते हैं किस भाग को फेफड़े के निकाल के या क्या कहाँ पे वो बीमारी है जिसका हम ट्रीटमेंट करें, ये सीटी से ही हो जाता है। कुछ केसेस में पेट स्कैन एमआरआई वगैरह भी कराना पड़ता है। अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें अगले इन्वेस्टिगेशन भी हमें करानी होती है, जिसको कहते हैं बायोप्सी। ये बायोप्सी के लिए हम अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वालों के पास भेजते हैं या पल्मोनोलॉजी वालों के पास भेजते हैं। पल्मोनोलॉजी वाले ब्रोंकोस्कोपी करके या ईबस करके ये बायोप्सी करते हैं, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले अल्ट्रासाउंड से या सीटी से के माध्यम से ये बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जब हो जाती है, बायोप्सी के लिए एक दिन के लिए एडमिट होना होता है पेशेंट को, और बायोप्सी हो जाती है 3 से 4 दिन का वेटिंग पीरियड होता है उसके बाद। जब ये बायोप्सी हमारे पास आ जाती है तो अब पेशेंट का हम ये ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि क्या उसकी सर्जरी करनी है, या कैंसर के केस में कई बार हम उनको पहले कीमोथेरेपी देके फिर सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। टीबी के केस में कई बार टीबी की दवाई देते हैं हम 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते की, और फिर सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस पेशेंट की हमें सर्जरी करनी है, तब क्या होता है, तो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि उस पेशेंट को ओपीडी बेसिस के ऊपर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ब्लड की सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एनेस्थीजिया की जांच होती है जिसमें बेहोशी के डॉक्टर उसको देखते हैं, हार्ट की जांच होती है जिसमें हार्ट के डॉक्टर उसका इको वगैरह करते हैं और देखते हैं हार्ट कितना अच्छा है उसका, और फिर होती है क्लियरेंसेज जो कुछ केसेस में, जैसे मायस्थीनिया के केस में न्यूरोलॉजी की क्लियरेंस होती है, कैंसर के केस में जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी होती है उनकी क्लियरेंस होती है। ये सब क्लियरेंसेज ली जाती हैं, इसमें 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। जब ये क्लियरेंसेज हो जाती हैं उसके बाद पेशेंट सारे पेपर्स लेके वापस हमारे पास आता है। हम इस पेपर्स को देख लेते हैं कि कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है, अगर सब कुछ ठीक है तो उस पेशेंट को एक डेट दी जाती है सर्जरी की। हमारे सेंटर में अमूमन किसी भी मेजर सर्जरी के लिए हफ्ते भर के अंदर की डेट मिल जाती है, तो पेशेंट को उस सर्जरी से एक दिन पहले एडमिट किया जाता है। रात को उसको थोड़ा प्रिपेयर किया जाता है, उसको रात को 12 बजे के बाद भूखा रहने की हिदायत दी जाती है, और सुबह उसकी सर्जरी होती है। जब सर्जरी होती है तो सर्जरी 5 से 6 घंटा चलती है। इस सर्जरी के दौरान पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है। जो उसके साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनको हमारी एक लड़कियां जो हमारे साथ हैं जिनको कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, जो हमारे पेशेंट का प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ख्याल रखती हैं, वो पेशेंट के अटेंडेंट्स को हर 2 घंटे के बाद फोन करके ये बताती रहती हैं कि सर्जरी कैसी हो रही है। सर्जरी खत्म होने के बाद जो अंग निकाला जाता है, जो फेफड़े का भाग निकाला जाता है, वो बायोप्सी के लिए जाता है। उससे पहले वो पेशेंट के अटेंडेंट्स को दिखा दिया जाता है। पेशेंट को इसी दौरान बेहोशी से बाहर लाने की कोशिश की जाती है। 99% केसेस में आराम से पेशेंट बेहोशी से बाहर आ जाता है और उसको आईसीयू शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये पेशेंट 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम आईसीयू में रहता है, जिसमें इसको मॉनिटर किया जाता है, और वापस फिर इस पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होता है, हम थोरैसिक सर्जरी के पेशेंट्स को रेस्ट नहीं करने देते, उनको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है, जिसमें ट्रेडमिल पे रनिंग, साइकिलिंग, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह कोऑर्डिनेटर्स मिलके उनको दोबारा से प्रॉपर सिखाते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दिया जाता, और फिर उनको जो दवाइयाँ उनकी ऑप्टिमाइज की जाती हैं वो सब दी जाती हैं। ऐसा करने की वजह से इसको ईरास्पी प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, जिसको फॉलो करने की वजह से फटाफट पेशेंट बेहतर हो जाता है, उसकी ट्यूब्स निकल जाती हैं और उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस जब एक पेशेंट आप हमारे पास रेफर करते हैं या आप खुद आते हैं हमारे पास किसी बीमारी को लेके, तो एक पेशेंट के साथ क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती है उसका एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया। धन्यवाद।